ऋषभ, तुम ऐसे खड़े क्या देख रहे हो? बस यूं ही तुम्हें काम करते हुए देख रहा था। वो तो मैं रोज ही करती हूँ। रोज तो करती हूँ, लेकिन आज मैंने तुम्हें पहली बार गौर से देखा है। और मुझे पहली बार गौर से देखकर तुम्हें क्या नजर आया? जनाब ये मत पूछे, दिल इतनी जोरों से धड़क रहा है, कहीं दिल की बात जबान पर ना आ जाए। भाई ये तो बड़ा डेंजरस मामला है। जब भी तुम किसी को पहली बार ठीक से देखते हो ना, तो तुम्हारा दिल धड़कने लगता है। लेकिन इसमें और एक बात भी है, मैं बहुत कम लोगों को ठीक से देखता हूँ, और मेरा ये दिल जो है ना, आम लोगों से कुछ कम ही धड़कता है। I swear. ऋषभ, ऑफिस आवर्स में दिल की बातें करना ठीक नहीं है। I agree. वैसे भी लंच आ रहे हैं, कहीं बाहर लंच करने चले? Yeah, I think that's a good idea. वैसे भी मैं लंच बाहर ही करने जा रही थी। एक बात है ऋषभ, वहाँ भी हम दिल की बातें नहीं करेंगे, क्योंकि लंच आज भी ऑफिस आज में आता है। ठीक है जनाब, ये भी मंजूर है, वहाँ भी जाकर हम ऑफिस की बातें करें। कैसी रही? एक और बात, आम बातें जो हमारे बीच ऑफिस में होती है ना, वो भी हम वहाँ नहीं करेंगे। दिल की बात भी नहीं करेंगे, ऑफिस की भी ऐसी बातें नहीं करेंगे। भाई ऐसी कौन सी बातें नहीं करेंगे? रंजना देवी और करण की। चलो तुम तो ऐसे बात करियो जैसे हमारे बीच में सिर्फ उन्हीं की बात होती है, कुछ नहीं। जरा गौर करो ऋषभ, ज्यादातर हम उन्हीं की बातें करते हैं, क्योंकि वो दोनों हमेशा हमारी जिंदगियों में दखलंदाजी करते हैं। इसलिए ऋषभ यकीन करो, तुम्हारी जिंदगी में कोई भी उतने ही हद तक दखल देगा जितना तुम चाहते हो। और अगर कोई जबरदस्ती हमारे जिंदगी में दिलचस्पी ले तो उसे गैर दिलचस्प बना दो, उस बात पर तुम गौर ही मत करो। कहना आसान है रक्षंदा, लेकिन करना उससे भी आसान है ऋषभ, तुम अमल करके तो देखो। अमल करके भी देख चुका हूँ ऋषभ, 2 मिनट पहले हमने जो भी बातें की उस पर तो तुमने अमल किया ही नहीं। मतलब? यही कि हम रंजना देवी और करण को लेके कोई भी बातचीत नहीं करेंगे, और देखो ना, उनके बारे में बातचीत ना करते करते हम उन्हीं के बारे में ना जाने क्या कुछ बोल गए। I'm sorry, my fault. लेकिन 2 मिनट पहले हमने एक और बात भी तय की थी, याद है? वो क्या? वो ये कि हम लंच करने बाहर चलेंगे। ओके तो चलें। ओके लेट्स गो।